जिले के नवस्था चौकी अंतर्गत छिजवार गांव में निकली पुरवा नहर में युवक की डूबने की शंका जाहिर की जा रही है। आपको बता दें कि युवक का नाम मोहित सिंह, पिता राम शंकर सिंह, उम्र 18 वर्ष, निवासी छिजवार का बताया जा रहा है। विगत 25 नवंबर को युवक के बहन की शादी थी और 27 नवंबर को युवक की गुमशुदगी की रिपोर्ट नवस्था चौकी में दर्ज कराई गई और युवक की तलाश शुरू कर दी गई है, जिसके बाद युवक की चप्पल नहर के किनारे देखी गई, जिससे परिजनों ने आशंका जाहिर की कि युवक की पैर फिसलने से नहर में डूब गया होगा, जिसकी सूचना नवस्था चौकी को दी गई। तत्पश्चात नवस्था चौकी प्रभारी उप निरीक्षक मनोज गौतम के द्वारा तत्काल जिला प्रशासन को सूचना देकर नहर का पानी बंद कराया गया और अपने स्टाफ के साथ सबको ढूंढने का प्रयास करते रहे, लेकिन सबका पता नहीं चल पाया, जिसके पश्चात आज दिनांक गोताखोरों के माध्यम से सबका पता लगाया जा रहा है। आपको बता दें कि जैसे ही यह खबर क्षेत्र में फैली तो क्षेत्र में सनसनी भी फैलती गई। लोगों की भीड़ नहर के किनारे सबको तलाशती नजर आ रही है। घटना घटी घटी घटना का लड़का घर से गया 12:30 बजे जी। तो देखा कि वहाँ जो तो मवेशी नहीं है, तो बाथरूम गया जी। फिर हाथ धोने के लिए गया तो फिसल गया, इसी यही घटना हुई। क्या नाम था? मोहित सिंह। कितने साल के थे? 17 साल के। जानकारी कैसे आपको हुई? जब देखे, खोजबीन किए तो वहाँ चप्पल और लोटा पड़ा था। अच्छा जी। फिसलने का निशान भी बना था। आप कौन हैं? उनके चाचा जी। क्या चाहते हैं आप प्रशासन से? क्या मांग है आपकी? प्रशासन से यही है कि जिसकी अब जो सहायता हो प्रशासन द्वारा मिले और बॉडी को जो है तुरंत जो है तो हम लोगों को सुपुर्द किया जाए। कल करीबन 4 बजे हमें जानकारी हुई कि एक बच्चा जो है तो नहर में डूब गया है जी। हम लोग तत्काल पहुँचे वहाँ पर। एसआई साहब के माध्यम से सर्च किया गया कि चप्पल और लोटा पड़ा हुआ था, तो ऐसा लगा तत्कालीन बात मतलब स्थितियों से कि लड़का जो है नहर में डूब गया जी। जब से अभी तक हम लोग लगातार प्रयास में, तत्काल दी गई है चौकी प्रभारी महोदय को तत्काल दी गई है, वो तत्काल ही पहुँच कर वहाँ पर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिए थे हम लोग, और अभी गोताखोर के माध्यम से कार्य चल रहा है। क्या लग रहा है आपको, कैसे घटना हुई? घटना ये हुई कि थोड़ी सी जो है तो शायद पानी लेने के चक्कर में गया और पैर फिसल गया, तो जो है तो चला गया। लगभग कितने घंटे हो गए अभी तक? अभी तक करीबन जो है तो 15-16 घंटे हो गए हैं। 15-16 घंटे से अभी तक बॉडी नहीं मिली? बॉडी नहीं मिली है, अभी कार्य चल रहा है। हालांकि कोई इसमें, हाँ, NDRF की टीम अभी आई है, अभी तकरीबन 9:30 बज रहे हैं, आधे घंटे पहले आई है और काम चालू हो गया है। क्या नाम आपका? मेरा नाम ज्ञानेंद्र सिंह है, मैं ग्राम पंचायत छिजवार। ये यहाँ पे एक घटना घटी है, क्या है पूरा मामला बताइए। छिजवार नहर है यहाँ, छिजवार नहर बगल से आई हुई है, गांव छिजवार के बगल से जाती है नहर, काफ़ी गहरी नहर है। कल शाम को करीब 4 बजे सूचना दिए हैं परिजन लोग कि बच्चा है मोहित सिंह, वो यहाँ दैनिक क्रिया के लिए आया था, बगल से उनका खेत भी है। इस दौरान उसके चप्पल और लोटा पड़ा हुआ मिला है यहाँ पे, तो शंका है कि ये शायद नहर में गिर गया है, उसी की सर्चिंग कर रहे हैं। SDRF की टीम आ गई है हमारी और सर्चिंग कर रही है नहर में। क्या अनुमान लगाया जा रहा है? अनुमान यही लगाया जा रहा है, चूंकि अभी और कहीं से तो कुछ आइडिया है नहीं, चप्पल मिली है तो यही अनुमान लगाया जा रहा है कि नहर में ही हो सकता है कि इसकी डूब गया हो, ऐसी संभावना है। नहर का पानी कम हुआ या नहीं? हाँ, नहर का पानी 3-4 फीट कम करवाए हैं, कल रात से ही लगे हैं, तो नहर का पानी 4 फीट करीब कम गया है। टीम भी लगी हुई है, सर्च कर रहे हैं। परिजनों का मानना क्या है? परिजनों का मानना है कि शायद इसी में डूब गया है लड़का।